हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही रिफ्रेशिंग सा समर कूलर ड्रिंक, वाटरमेलन लेमनेड। ये बहुत टेस्टी लगता है गाइस, और ये पीने में बहुत अच्छा है, बहुत फिजी होता है। हम इसमें सोडे का यूज करेंगे। आप इसे बनाएंगे तो ट्रस्ट मी आपके घर में सबको पसंद आएगा। तो इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। इसे हमें कैसे बनाना है और क्या क्या चाहिए हमें इसके लिए। इसके लिए हम ले रहे हैं 1 कप वाटरमेलन, जिसे हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। उसके साथ ही हम डालेंगे पुदीना के पत्ते यानी मिंट लीफ, ऑलमोस्ट 8-10 पत्ते। साथ ही हम डालेंगे इसमें नींबू का रस यानी लेमन जूस, ये 1.5 नींबू का रस है। और इसके साथ ही डालेंगे इसमें 2 चम्मच शुगर। जो शुगर की क्वांटिटी है वो अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक मेरा जो वाटरमेलन है वो बहुत मीठा है, तो मैं बहुत कम चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह हनी भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपका वाटरमेलन कम मीठा है तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसे मैं इसका लिड लगा के इसे अच्छे से चर्म कर लूंगी, सब चीजों को इसे चर्म कर लेती हूँ मैं। देखिए ये अच्छे से पिस चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें कोई भी वाटर या पानी का यूज नहीं किया है, बिकॉज एज नेम सेज वाटरमेलन, लाइक इसमें 90% वाटर रहता है, तो कोई भी पानी या कुछ आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसे स्टेन कर देंगे, बिकॉज हमने इसको पहले डीसीड नहीं किया था, इसके बीजे जो है वो हमने नहीं हटाए थे, तो हम इसे एक बार स्टेन कर लेते हैं। स्टेन करने के लिए बस इसे चलनी में निकालते हैं एक स्पून की हेल्प से, इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना झटपट बनने वाली रेसिपी है। अच्छे से स्ट्रेन कर लेते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है यानी छान लिया है। थोड़ा बहुत जो सीड्स हैं और थोड़ा सा ये रह गया है, तो हम इसे एक साइड रख देते हैं। और अब देखिए कितना टेम्प्टिंग लग रहा है, बनके तैयार है। अभी तैयार नहीं है, ऑलमोस्ट 50% तैयार है मस्त से। अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, ऑलमोस्ट 1/2 छोटी चम्मच। से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे किसी ग्लास में पोर करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2 ग्लास लेंगे, उसमें आइस क्यूब डालेंगे टू मेक इट चिल। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जूस है इसमें पोर करेंगे। बस हाफ ही भरना है, मेक श्योर हमें इसमें फुल नहीं भरना। ठीक है, हमने हाफ भर दिया है। हम इसमें डालेंगे सोडा वाटर। आप चाहें अगर आपके पास सोडा वाटर नहीं हो तो आप कोई भी लेमन ड्रिंक यूज कर सकते हैं, लाइक लिमका या स्प्राइट या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सोडा से टॉप करेंगे। देखिए कितना फिजी वैसे ही लग रहा है ये। इसे गार्निश करेंगे कुछ मिंट लीव्स के साथ। और आप देख सकते हैं हमारा टेम्प्टिंग सा वाटरमेलन लेमिनेट जो है वो बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत रिफ्रेशिंग होता है। समर के लिए बेस्ट कूलर है मस्त से। बिल्कुल गर्मी आप इसको पियेंगे ना तो आपकी भाग जाएगी। जब तक के लिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये रेसिपीज आपको पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है यार। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिए। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।